नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा यादव। मन में लगन और उत्साह हो और कुछ करने की जिद हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती, इसी बात को साबित किया है सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक शिव प्रसाद शर्मा ने। नागपुर में आयोजित खासदार महोत्सव में विविध प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिसमें नागपुर के रेशम बाग में आयोजित पंजा कुश्ती का भी आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। 60 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम के वजन के हिसाब से खिलाड़ियों ने पंजा कुश्ती में अपना दम दिखाया। उपराजधानी नागपुर के रेशम बाग मैदान पर आयोजित पंजा कुश्ती की खास बात यह रही कि सभी शामिल खिलाड़ियों में शिव प्रसाद शर्मा सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। खासदार महोत्सव में आयोजित पंजा कुश्ती की विशेषता यह भी रही कि सभी युवा खिलाड़ियों के बीच एकमात्र 61 वर्षीय शिव प्रसाद शर्मा ने भी अपना दम दिखाया। बचपन से ही पंजा कुश्ती में माहिर सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक शिव प्रसाद शर्मा ने पुलिस सेवा के दौरान भी कई प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। वे कभी हार और जीत को महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पर आप आए हैं, देखा गया है कि आप पूरे खिलाड़ियों में आप सबसे ज्यादा उम्र के हैं, कैसा अनुभव रहा आज का? अनुभव तो मेरा बहुत पुराना है, 35 साल के बाद मेरा ये पुराना गेम था, नेशनल तक गया, इंटरनेशनल तक गया वो इस गेम में। अब ये पहली बार ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब आर्म रेसलिंग हुई तो हमारी भी इच्छा जागृत हो गई, और जिसके पास हौसला है वो उम्र का कोई मायने नहीं रखती। आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाला जनरेशन तो बहुत आगे जाएगा ना, मेरे को देख के कि जब 61 साल का बंदा इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे करना चाहेंगे कि अच्छे बच्चे जो है उनको तैयार करेंगे, उनको टेक्निक देंगे। आज जो प्रो ये है, प्रो पंजा को हम चैलेंज देने के लिए तैयार है। कुछ कोच या जज बनने की इच्छा है? ये तो आगे का भविष्य बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेशनल खिलाड़ी के बारे में क्या सोचेंगे आप? नेशनल खिलाड़ी तैयार करना है, इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करना है इसमें। आप यहाँ आए, आप सर से पराजित हुए, आपसे सर उम्र में बड़े हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर से मैं पराजित नहीं हुआ हूँ, एक्चुअल में ये नंबर जो आया है 189 और सर का 90, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर से अटैचमेंट आज से ही होना है, और आज उनका जो हाथ मेरे से मिल गया है तो अब ये कभी नहीं छूटने वाला है। तो ये मेरा तो आज का फर्स्ट डे था, और इससे पहले मैंने कभी आर्म रेसलिंग की नहीं है, तो सर का जब हाथ पकड़ा मैंने तो मुझे पता लग गया था कि आज मेरा होने वाला है, लेकिन फिर भी गेम है। तो ये तो तेरती सर ने मुझे आते बरोबर बताया, फिर एक दो बच्चे थे उनसे थोड़ा हुआ। तो ये दोनों हाथ मिले हैं तो ये कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे? ये तो एंड तक जाएंगे। जैसे सर की अभी 61 साल की उम्र है उन्होंने बताया, तो मैं तो अपने एंड तक के करूँगा जब तक मैं हूँ। नागपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? नागपुर के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि उनको ठंड लग जाती है, घर में चले गए आधे लोग, यही ना करें, थोड़ा देर बैठ जाए तो जो छोटे लड़के रहते हैं उनका भी हौसला बुलंद रहता, तो इधर उधर ना घूमेंगे। आप जैसे खिलाड़ी नागपुर में ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए आर्म रेसलिंग, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे? आर्म रेसलिंग में ऐसे हमारे जैसे तो हो, ऐसे सर से मिलके हम लोग सर के साथ में मिलके और उनके सहयोग से जो होना चाहेगा, जैसा होना चाहेगा इन फ्यूचर में, सर से सहयोग लेके हम करना चाहेंगे। नागपुर के रेशम बाग मैदान में आयोजित पंजा कुश्ती का शुभारंभ मुंबई से आई फिल्म अभिनेत्री प्रीति झिंगानिया के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक मोहन मते, प्रवीण दटके सहित सभी मान्यवरों की उपस्थिति रही।